जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल माह के चौथे सप्ताह के बारे में, यानी 21 अप्रैल से 27 अप्रैल 2022 के धनुराशि फल के बारे में। धनुराशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, कौन ग्रह कहां स्थित होगा और आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। ग्रहों के प्रभाव से आपके व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे सभी बातों के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। बात करें सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में, तो मंगलदेव पूरे सप्ताह आपके तृतीय भाव में विराजमान होंगे। बुधदेव सप्ताह के शुरू से 25 अप्रैल तक आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे और 25 अप्रैल को वृषभ राशि में गोचर कर आपके षष्ठम भाव में विराजमान होंगे। देवगुरु बृहस्पति पूरे सप्ताह आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे और शुक्रदेव यहां मंगल के साथ तृतीय भाव में युति करेंगे और सप्ताह के अंतिम दिन यानी 27 अप्रैल को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर कर आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। यानी सप्ताह के अंत में देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्रदेव की युति होगी आपके चतुर्थ भाव में और यह युति आपको विद्वान बनाएगी, आपके अंदर ज्ञान में वृद्धि करेगी। छात्रों के लिए यह समय बेहद अनुकूल होगा। शनिदेव यहां आपके धन भाव में रहेंगे पूरे सप्ताह, यानी आपके द्वितीय भाव में। सूर्यदेव आपके पंचम भाव में होंगे और सप्ताह की शुरुआत से 25 अप्रैल तक सूर्य और बुध की युति आपके पंचम भाव में होगी, जो बुद्धादित्य राजयोग बनाएगी और यह युति आपके व्यवसाय में, व्यापार में, कार्य क्षेत्र में चार चांद लगाने का कार्य करेगी। यानी इस दौरान आपको अच्छा लाभ होगा और यहां राहु भी आपके पंचम भाव में होंगे, केतु आपके एकादश भाव में होंगे। यानी इस सप्ताह दो ग्रह सक्रिय अवस्था में होंगे, एक तो बुध देव और दूसरे शुक्रदेव, और दोनों ग्रहों का गोचर, दोनों ग्रहों की सक्रियता आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। बात करें सप्ताह में चंद्रमा की स्थिति के बारे में, तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके लग्न भाव में गोचर करते हुए द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव तक गोचर करेगा। यानी सप्ताह चार भावों में गोचर होगा और इस सप्ताह में 26 अप्रैल को चंद्र और मंगल की युति होगी। ज्योतिष के अनुसार जहां चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, वहां मंगल क्रोध और ऊर्जा का प्रतीक है। एक तरफ जहां चंद्रमा को शांत ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ मंगल को साहस, पराक्रम और बल का प्रभुत्व प्राप्त है। अर्थात चंद्र और मंगल युति भावना और पराक्रम का मेल है। तो जब मंगल और चंद्रमा की युति होगी तो आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी, आपकी वाणी से लोग आकर्षित होंगे और आप अपनी वाणी के अनुसार अपने व्यापार व्यवसाय में तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। यहां आप बुद्धिमानी होंगे, पराक्रमी होंगे, याददाश्त बहुत अच्छी होगी और छात्रों को अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। इस दौरान आप अपनी बुद्धि के बल पर अच्छा धन अर्जित करने में सक्षम होंगे और किसी भी कार्य को करने में कोई संकोच नहीं करेंगे, अपनी वाणी के बल पर सबको मोहित करेंगे। लेकिन कई बार यहां आपको क्रोध भी आएगा, मंगल यहां क्रोध देंगे और अब क्रोध में अपनी वाणी का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो इस दौरान कटु शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना होगा या गलत भाषा का इस्तेमाल करने से बचना होगा, अन्यथा आप अपनों को दुश्मन बना सकते हैं। बात करें जब चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में आपके लग्न भाव में होगा, तो पहला घर मंगल और सूर्य के प्रभाव के अंतर्गत आता है। जबकि यहां जब यहां चंद्रमा स्थित होता है तो यह भाव मंगल, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव में होता है, क्योंकि ये तीनों आपस में मित्र हैं, तीनों यहां की स्थिति के अनुसार परिणाम देंगे। सूर्य और मंगल इस घर में स्थित चंद्रमा को पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा सहयोग देते हैं,
तो ऐसे में आप रहम दिल होंगे और अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति करेंगे, हर प्रकार से सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। आपका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होगा और यहां चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी जो आपको शुभ परिणाम देने का कार्य करेगी। बात करें द्वितीय भाव की तो यहां आप मधुरभाषी होंगे, आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, शांत स्वभाव के होंगे और चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर होगी जो आपको कुछ उतार चढ़ाव का सामना करवाने का कार्य करेगी। यहां धन संपत्ति के मामले में आप आगे बढ़ेंगे, कई क्षेत्रों से आर्थिक लाभ होगा, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी, धनी होंगे, मधुरभाषी होंगे और समाज में एक अच्छी पहचान बनेगी। यहां आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा, बाहर के खान पीन से बचना होगा और कोई भी परेशानी होने पर डॉक्टर से उपचार या परामर्श जरूर लें। बात करें जब चंद्रमा तृतीय भाव में होगा तो यहां आपकी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत अच्छी होगी, शक्तिशाली होगी, साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि होगी और यहां चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर होगी जो कि भाग्य का स्थान है। तो चंद्रमा की नवम भाव पर दृष्टि होने से यहां आपको महिलाओं के सहयोग से भाग्योदय होगा, विवाह के बाद पत्नी भाग्योदय का कारक बनेगी। तो यहां चंद्रमा आपको लंबा जीवन देने वाला, अत्यधिक धन देने वाला होगा और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो यह समय हर तरीके से आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। यहां कई बार आपके खर्चों में अधिकता होगी जो आपके बैलेंस को बिगाड़ सकती है, तो अधिक खर्चा करने से बचना होगा। बात करें सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में होगा तो चौथे भाव में स्थित चंद्रमा पर केवल चंद्रमा का ही पूरी तरह से प्रभाव होता है क्योंकि वह चौथे भाव और चौथी राशि दोनों का स्वामी होता है। तो यहां चंद्रमा हर प्रकार से मजबूत और शक्तिशाली होगा। चंद्रमा से संबंधित चीजें आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। चौथा भाव आमदनी की नदी होगा जो आपके खर्चों को भी बढ़ाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो खर्चे आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे। यहां आप एक प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति होने के साथ साथ नरम दिल के और सभी प्रकार से धनी होंगे। किसी भी समस्या का सामना किसी शेर की तरह साहसपूर्वक करेंगे। सरकार का सहयोग प्राप्त होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, दूसरों को शांति और आश्रय प्रदान करेंगे और निश्चित रूप से शैक्षिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। छात्रों के लिए यह समय बेहद अनुकूल होगा। पैतृक व्यवसाय से आपको फायदा मिलेगा और इस सप्ताह में जो दो ग्रह सक्रिय होंगे, बुध और शुक्र, उनके भी अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। बेरोजगार लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। घर परिवार में खुशहाली होगी। इस राशि के जो लोग अविवाहित हैं, विवाह के प्रस्ताव आने की संभावना बनेगी और छात्रों को विशेषकर अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक।